ask for your forgiveness. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारत के अलावा 14 छोटे छोटे देश शामिल होंगे। इन्हीं में से एक छोटे से देश फिजी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले भारतीय समुदाय के लोगों से रो रो कर माफी मांगी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 21 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारतीयों के आगे फूट फूट कर क्यों रोने लगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको ये जानना होगा कि पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी क्यों जा रहे हैं। दरअसल भारत प्रशांत महासागर के 14 देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। प्रशांत महासागर चीन को घेरने के लिए बेहद अहम जगह है। चीन की घेराबंदी के लिए भारत और प्रशांत महासागर के 14 देशों के बीच 2014 में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई थी। अब यही बैठक पापुआ न्यू गिनी में हो रही है। इस बैठक में भारत के अलावा कुक आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड और फिजी जैसे 14 देश शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बैठक से पहले फिजी के प्रधानमंत्री रोने लगे, भारतीय लोगों से माफी मांगने लगे। दरअसल फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने कहा कि 1987 में उन्होंने फिजी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ काफी अत्याचार किए थे। उस समय उन्होंने दावा किया था कि भारत से गन्ने की खेती में काम करने आए लोगों की तादाद वहां के मूल निवासियों से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से फिजी के लोगों का अपने देश पर नियंत्रण कमजोर हो रहा था। उस समय की सरकार भी भारतीय लोगों के प्रभाव में थी, इसीलिए सितिवेनी राबुका जो उस समय आर्मी के चीफ थे, उन्होंने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और भारतीय मूल के लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अब हाल ही में 14 मई को इस घटना के 21 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए फिजी के प्रधानमंत्री ने फिजी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से माफी मांगी है। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। Today, I, Sitiveni Lima Mandarumbuka, on behalf of those who were with me in 1987, ask for your forgiveness and pray that God will grant you the serenity, the power to forgive us. God bless you all.